वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी ब्लॉग। गाइस एक बार फिर आ गए हूं आप सभी लोगों के लिए। काफी टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे कुछ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट दिखाए जाएं, तो उसी सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं कुछ लग्जरी कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट। सो आज हम जो कवर करने वाले हैं प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूजन ब्रुक्स एंड रिविले। सो ये जो प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन की, बहुत ही प्राइम लोकेशन रहने वाली है। गौर चौक की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको राजेश पायलट गोल चक्कर मिलता है, वहां से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट मिल जाता है हमें। प्रोजेक्ट एक लग्जरी कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका हाई राइज सोसाइटी रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन के सराउंडिंग में, आपको काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल जिसमें कि श्री राम ग्लोबल मिल जाता है, इंस्पायर पब्लिक स्कूल मिल जाता है, जेम फ्लोरेंस मिल जाता है, और भी काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलेंगे। गूगल डाटा हब सेंटर आपको हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलने वाला है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूं तो सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन, जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, और जो अभी रनिंग मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन, हार्डली आपको 10 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई लोकेशन कनेक्टिविटी और यूएसपीज के बारे में। प्रोजेक्ट का जैसा मैंने आपको बताया दो लैंड पैच है यहाँ पर। ब्रुक्स का जो लैंड पैच है वो करीबन 5 एकड़ का है, और रिविले का जो लैंड पैच है वो करीबन 7.5 एकड़ का है। यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं 3 BHK 2 टॉयलेट के साथ मिल जाता है, एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है आपको 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ में, और एक आपको मिल जाता है 4 BHK के साथ में। साइजेस की पूरी जानकारी और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं 1545 स्क्वायर फीट का 3 BHK 3 टॉयलेट फ्लैट, जिसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और लग्जरी सेगमेंट के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट पहले नहीं आया है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बताते हैं सारी डिटेल इस प्रोजेक्ट की और आपको सारी चीजें समझाएंगे, प्रोजेक्ट का डिटेल प्राइस साइज सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। सो गाइज ये हमारा गेट है जहां से हमने अभी एंटर किया है, डिजाइनर डोर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं फ्लोर टू सीलिंग की हाइट आपको करीबन 11 फीट की मिल रही है यहाँ पर। और जैसे ही हमने एंटर किया ये हमारा स्पेशियस लिविंग एरिया आ जाता है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर आराम से आप 6 to 8 सीटर सोफा प्लेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आराम से बहुत अमेजिंग स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो मैं आपको बता देता हूँ जैसे हम आगे बढ़े तो हमारा ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। आराम से 8 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ जो भी आप इंटीरियर वर्क यहाँ देख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक शो यूनिट है। तो आपको जब फ्लैट डिलीवर किया जाएगा तो आपको मिलेगा ये रॉ कंडीशन में, और जो इंक्लूजन होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। सो यहाँ डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते ही हमारा यहाँ पर किचन आ जाता है। किचन भी हमारा काफी स्पेशियस रहने वाला है, एल शेप किचन है। आराम से 5 से 6 लोग खड़े होकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से मॉड्यूलर वर्क आप करा सकते हैं। जो बिल्डर की साइड से आपको मिलेगा वो आपको एक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप मिलने वाला है, और आपको यहाँ पर सिंक मिल जाती है, और सारी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। टाइलिंग वर्क आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलने वाला है। सो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, काफी स्पेशियस ये बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्टोरेज एरिया मिलेगा, अपने हिसाब से आप कवर करा सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाइट काफी अच्छी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, सारे ब्रांडेड सैनिटरी फिटमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि बिल्डर की तरफ से आपको होकर मिलेंगे। और सबसे अमेजिंग तो क्या है, यहाँ पर एक बालकनी है जो कि अभी तक जो भी हमने प्रोजेक्ट कवर करें उसमें सबसे बड़ी बालकनी आपको यहीं देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप क्या बालकनी का स्पेस रहने वाला है, अमेजिंग स्पेस है। यहाँ पर आराम से आप बैठकर एक फ्रेश एयर एंजॉय कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम की तरफ, इसी बेडरूम से आपको लेके चलूंगा। आपको मैं बता दूं ये जो बालकनी है दोनों ही बेडरूम से कनेक्टेड है। सो गाइस इधर की साइड से हमने दूसरे बेडरूम में एंटर कर लिया है। इस बेडरूम में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, सामने स्टोरेज एरिया मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक अटैच वॉशरूम मिल रहा है। वॉशरूम भी स्पेशियस है, बेडरूम भी स्पेशियस है। डायमेंशन हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी, और UPVC ग्लास डोर आपको यहाँ पर लगा कर दिए जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारा थर्ड बेडरूम। जैसे कि 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट है, एक टॉयलेट हमारा कॉमन कम अटैच आ जाता है यहाँ पर। इसमें भी आपको सारे फिटमेंट्स एज इट इज मिलेंगे। सो आइए मेरे साथ अंदर की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है।
इतना स्पेशियस है। यहाँ पर सबसे बढ़िया जो रखा गया है लग्जरी सेगमेंट तो है ही है, और स्टोरेज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। साथ में आप देख सकते हैं मूवेबल स्पेस कितना बच रहा है यहाँ पर, सारे फिटिंग्स आप देख सकते हैं किस तरीके से करे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी एक अटैच बालकनी आपको मिल जाती है। सो गाइज बहुत ही अच्छा फ्लैट मैंने आपको अभी दिखाया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में और कब पोजीशन रहेगा इस प्रोजेक्ट का। सो मैं आपको बता दूं ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, काफ़ी तेज़ी से ये सेल आउट हो रहा है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, बिल्डर बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी मार्केट में सेल आउट कर चुका है। सो फ्यूजन ग्रुप का नाम है ऑलरेडी। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जो साइजेस मिल जाते हैं, 3BHK 1350 स्क्वायर फीट, 3BHK एक साइज़ मिल जाता है 1545 स्क्वायर फीट, और 4BHK का जो साइज़ है 2010 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 5400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्राइस मिल जाता है। बाकी कुछ पोजेशन चार्जेस हैं, GST है, रजिस्ट्री चार्जेस, वो सब एक्स्ट्रा एप्लीकेबल रहेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे अमेनिटीज़ मिल जाते हैं, जिसमें कि क्लब हाउस मिलेगा। 25,000 करके दो क्लब हाउस आपको मिल रहे हैं, एक ग्रुप में रहेगा एक रिवेले में रहेगा। टोटल 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा, सारी अमेनिटीज़ मिलेंगी आपको, इंडोर गेम्स, स्क्वैश कोर्ट, योगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं, जो भी एक मैंडेटरी आपको अमेनिटीज़ रहती हैं, और कुछ यूनिक अमेनिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट आपका बेसमेंट, पोडियम और प्लस 24th फ्लोर तक रहने वाला है, लिफ्ट फैसिलिटी आपको मिलेगी, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहेगा। तो सारी चीज़ें सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो काफ़ी सारे लोग कंसर्न करते हैं रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है नहीं है, इस मार्केट में इस रेट में आजकल प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जिनके पास भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको बता दूं एज पर रेरा इसका पोजीशन 2030 तक है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड पोजीशन 2026 तक रहने वाला है रिवेले का। और ब्रूक के पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पर करीबन 2025 तक पोजीशन आपको मिलने वाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके का स्पेशियस और लग्जूरियस फ्लैट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आइए। आपको मैं बता दूँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके एक दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आपकी विजिट हो पाएगी यहाँ पर, आप डायरेक्ट यहाँ विजिट नहीं कर सकते। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आज ही अपनी विजिट अरेंज कराएं और यहाँ अपना फ्लैट बुक कराएं। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।